वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या ट्रेडर। गाइज, आज की इस वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ ना कि यहाँ पे जो ट्रेड करूंगा वो 90% से लेके 101% तक प्रॉफिट होंगे। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, इस वीडियो पे 1000 रुपए का गिव अवे है और अगर आप चाहते हैं कि आप में से कोई ना कोई विनर बने इस गिव अवे का, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको जो है क्यूटेक्स का भी अकाउंट हमारे लिंक से क्रिएट करना है और क्यूटेक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड पे करना है आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट छोड़ना है आपको, ठीक है, और आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे हमारे वीडियो के 1000 रुपए के गिव अवे के लिए। ओके, बस आपको इतनी सी चीजें करनी है और जो एलिजिबल हो जाएंगे गिव अवे के लिए। अब गाइज, इस वीडियो में क्या होने वाला है और मैं क्या बताने वाला हूँ ऐसा इस वीडियो में जो आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। गाइज, यहाँ पे सभी देख लीजिए, मेरे अकाउंट में जो है $12,394 का लाइव बैलेंस है और यहाँ पे मैं अपना जो ट्रेडिंग का सिलेक्टेड कर लेता हूँ $150, ठीक है। और यहाँ पे आज मैं कोई यूरो यूएसडी पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यूरो जीबीपी पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन से इंडिकेटर्स, कौन से फंडामेंटल एनालिसिस और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके मैं ट्रेड यहाँ पे करने वाला हूँ, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। गाइज, अगर आप जो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ वगैरह पे ट्रेडिंग होती है, NFP वगैरह पे ट्रेडिंग होती है, BOC न्यूज़ और PPI, CPI जैसी न्यूज़ वगैरह होती हैं, इन सभी पे हम लोग जो है ट्रेड करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करो एक बार, आपको वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी गाइज, ठीक है। फटाफट टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है गाइज पिन वाले सिंबल पे, ठीक है। इस सिंबल पे जाने से पहले मैं पहले क्या करूंगा, इस अपने इस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ मैं इसको इस साइड की तरफ जूम आउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले लेवल पे अपने पिच फैन को लगाने वाला हूँ, ठीक है। गाइज, मैं ट्रेन लाइन को ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पिच फैन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो ट्रेन लाइन ठीक से ड्रॉ करना जानते हैं और आप जो है चाहते हैं कि आप जो ट्रेन लाइन से जो है ट्रेड करें, तो आप जो ट्रेन लाइन को भी यूज कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ अपने सेल पर्पज के लिए मैं ट्रेन लाइन को यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिले, ठीक है। सो मैं ट्रेन लाइन को यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको यूज कर रहा हूँ एक बार पिच फैन को, ओके, और इसको अपने साइडवेज में यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, मैं इस साइड पे इसको रख लेता हूँ, ओके। और अगर आप जो अपना कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, कलर वगैरह भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी ग्रिड लाइन को ले जाऊंगा 2 पे ताकि मेरे को ठीक से देखिए। चलिए, 3 पे मैंने इसको कर लिया है, ओके। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से मार्केट में इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन लाइन दिख जाए, ठीक है, हमारे पिच फैन की लाइन वगैरह दिख जाए, हमें बस उतना ही चाहिए, हमें और कुछ यहाँ पे चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो अब आपके सामने कुछ पैटर्न्स मार्केट में कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्लियरली यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को, भैया ट्रेन लाइन ने मार्केट को कहाँ पे टच किया और मार्केट अब जाने कहाँ से कहाँ वाला है, ठीक है। सो यहाँ से गाइज मुझे मार्केट में एक मोमेंटम मिलने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, और मैं अपवर्ड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्रेस करने वाला हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे जरूरत है एक इंडिकेटर लेने की, ओके। वाला सेक्शन हमारा ये रहा, हम इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आएंगे, डीमार्कर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी पीरियड वैल्यू को बढ़ा कर देंगे हम 16। आपको ध्यान देना है पीरियड वैल्यू आपको सेम रखनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इसकी विजुअलिटी को बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे ठीक से दिखेगा इस, ठीक है। हमारी मेन लाइन रेड है, ओके, हम इसकी विजुअलिटी को बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखे, विजुअल हो, और हम इस ओवर वॉट वाली लाइन को, ओवर सोल्ड वाली लाइन को यहाँ पे जो रेड है इसको कर देंगे ग्रीन, उसको कर देंगे हम रेड, ओके, और इसकी लाइन को भी हम बढ़ा के विजुअलिटी कर देंगे भैया काफी हैवी ताकि हमें ठीक से प्रॉपरली दिखेगा इस, ठीक है। इसको हम कर देंगे ग्रीन, ओके, ये ग्रीन, और इसको कर देंगे हम एलबम, इसका कलर इस तरह से चेंज कर देंगे ताकि मैं इजिली दिख जाएगा इस, ठीक है, ओके। तो ओवरसोल्ड वाली लाइन है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, इसको रेड करेंगे, मेन लाइन हमारी ये है, तो इसका हम कलर इसको चेंज कर देंगे, ओके। अब आपको विजुअलिटी कुछ अच्छे तरीके से दिख रही होगी, आपकी जो प्रॉपर जो इंडिकेटर है वो ठीक तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ सिर्फ देखो ट्रेन लाइन को देखना है, ट्रेंड को देखना है, तो हम इसको जूम इन बस इतना ही रखेंगे, ओके। अब देखिए गाइस, आपके सामने जो डीमार्कर की ये जो 70 वाली लाइन है, आपको जो ग्रीन लाइन यहाँ पे 70 वाली लाइन आपको दिख रही है, अगर गाइस ये हमारी जो मेन लाइन है इसको क्रॉस कर लेती है, इसको टच कर लेती है, हमें क्या पे इंडिकेशन मिलता है कि भैया मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वॉट जा चुका है, बहुत ज्यादा ओवर अप जा चुका है, यहाँ से मार्केट डाउन गिरेगा, तो हमें डाउन रेट प्रेस करनी है। और वहीं अगर ये नीचे की लाइन 30 लाइन को क्रॉस कर ले मेन वाली लाइन, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ओवर डाउन आ चुका है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा। अब देखिए गाइस, हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलने का आसार है, तो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए ट्रेड डाली है $150 की, मुझे यहाँ से एक इंडिकेशन मिला था, इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है।
अपने प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे साइड वाले चार्ट को, बिकॉज जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मुझे वहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन थोड़ा गलत दिख रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ पे अपनी विजिबिलिटी भाई है बढ़ा ली है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यूरो एसडी था, यहाँ पे मैंने इस चार्ट को कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने जो भी फिलहाल ट्रेड गाइस एग्जीक्यूट करी है यहाँ पे देख पा रहे हैं फिलहाल प्रॉफिट चल रही है, और मेरे पास लगभग टाइम अभी बचा हुआ है वही कह सकते हैं 1 से 1.5 मिनट का। ओके, 1.5 मिनट का मेरे पास टाइम बचा हुआ है, और मैं इसी टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड को देखता हूँ कि मेरी ट्रेड जो है जाती कहाँ तक है। और मैं जब आपसे जो बोला है कि भैया 90% से लेके मेरे जो 101% की मेरी ट्रेड प्रॉफिट कराने के लिए आप सभी से बोला है वो कितने हद तक सही रहता है, फिलहाल तो भैया लॉस में जा रही है हमारी ट्रेड, बट कोई नहीं, हमें यहाँ पे इंतजार करना है। हमारे जो लेवल सभी जो हमें दिखा रहे हैं उस लेवल से हम बने हुए हैं गाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी के चार्ट, यूरो जीबी के चार्ट को फिलहाल लॉन्च कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट वाली कैंडल थोड़ा मैं डिसाइड करके दिखाएगी भैया मार्केट में जो हमारी कैंडल बन रही है एक्चुअल में कहाँ जा सकती है। ओके, जूम इन वाले टाइम पे यहाँ पे 47 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, मुझे बाय का यहाँ से साइन मिला था इसलिए मैंने बाय यानी अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड प्रेस किया था। 37 सेकंड का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, हमारी ये पहली ट्रेड है गाइस जो हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, और 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है। ओके, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी गाइस उसमें मैंने लगभग जो है 3 से 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, और वहाँ पे गाइस थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ रही थी, जिस कारण से मैं थोड़ा सा ट्रेड ऐसे ही 2-3 ट्रेड ही कर पाया था, ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं कर पाया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना जरूरी समझा था। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अभी हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट की कैंडल कहाँ से कहाँ आ चुकी है। ठीक है, कोई इसको हम कम करेंगे, 4 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाल दी भैया अपवर्ड डायरेक्शन में 550 डॉट की 1-1 मिनट की। ये ट्रेड गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, मैंने जिस पॉइंट पर मैंने ट्रेड डाली थी उस पॉइंट पर देखा जाए, चलिए मैंने 9 ट्रेड टोटल यहाँ पे एग्जीक्यूटेड है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर गाइस इस इंडिकेटर ने वो इस ट्रेड ने हमें अगर धोखा दे दिया ना गाइस तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मार्केट की विजिबिलिटी और फ्लेक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है और हम अपने लॉसेस यहाँ से हम जो है लॉसेस बुक करना पसंद नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, और हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करी वो हमने करी है भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमारे पास 18 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अगर ऊपर की साइड आपको शो कर रहा हूँ तो 8:34 हो रहे हैं शाम के, और शाम के टाइम में जो वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे जेब में भैया आने वाला है। ओके, और हमने सुबह के टाइम यहाँ पे कुछ देखते हैं। ओके, ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है, सारी की सारी ट्रेड जो हमारी प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 12,000 डॉलर के बैलेंस के साथ आए थे, अब जो है 16,323 डॉलर हमारे पास लाइव अभी बैलेंस है। ओके, और यहाँ से हम जो है ट्रेड एग्जीक्यूट और करेंगे, बट हमें यहाँ पे चाहिए भैया इंडिकेशन, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं डीमार्कर की अब जो लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं वो हमें भैया 70 से ऊपर जा रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट, बहुत ही ओवर अप चला गया है मार्केट, यहाँ से इसको डाउन गिरना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, हमें डाउन के ट्रेड यहाँ पे निकालनी है, तो कैंडलस्टिक का यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ले जाएंगे भैया 5 मिनट पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि भैया कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है और यहाँ पे कहाँ मार्केट हमारा गिर सकता है। ओके, सो यहाँ पे भैया मेरे लग रहे हैं मार्केट में गिरने के चांसेस। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ बन सकता है, तो चलिए मैं यहाँ पे 4 मिनट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, 4 मिनट के टाइम पे मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाली है भैया डाउन डायरेक्शन में, और ये कैंडल हमारी डिसाइडर होगी हमारी ट्रेड की, क्योंकि मैंने ये ट्रेड जो डाला है वो डाउन डायरेक्शन में। ओके, मैंने ट्रेड डाला क्यों डाउन डायरेक्शन में, एक तो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपके सामने 70 की लाइन के नीचे चल रहा है हमारी कैंडलस्टिक की लाइन, देख पा रहे हैं 70 की लाइन से नीचे चल रहा है, और ऊपर ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, ये वाला लेवल जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस को ये हिट करके मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, इसके बाद जो मार्केट डाउन आएगा ही आएगा, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड जो है वो अपनी डाली डाउन डायरेक्शन में। तो मेरे पास लगभग 3 मिनट 13 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, हो सकता है मेरी ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हमारे पास टाइम बचा हुआ है, बहुत सारा टाइम हमारे पास अभी बचा है रनिंग में, और यहाँ पे हम बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाने की फ्राक में हैं, बट हमारे पास अभी टाइमिंग थोड़ा कम है, और हमारे पास जो एक जो कैंडल फॉर्म हो रही है 5 मिनट की। ओके, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ओके गाइस, एंड होने में इस ट्रेड के, इसके बाद गाइस हमने मार्केट में ना धमाका करने का सोचा है। ठीक है, और थोड़ा सा हमें इंतजार करना है यहाँ पे भैया विजिबिलिटी का कि मार्केट एक्चुअल में रन कहाँ करने वाला है। ठीक है, ओके ओके ओके, 2 मिनट 33 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। ओके ओके, 2 मिनट लगभग बचे हुए हमारे पास, 500 लगभग यहाँ पे 1100 डॉलर हमारे इन्वेस्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, और जिस लेवल पर हमने अपने ट्रेड प्रेस करी हुई है वहाँ पे हमें साइड जो इंडिकेट हम देख रहे हैं अपना, ओके, उस हिसाब से भी थोड़ा मार्केट डाउन गिरना चाहिए, बट ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, इतने आसानी से ये तोड़ तो नहीं सकता गाइस। ठीक है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा जूम आउट भी कर दें तो नीचे की साइड यहाँ पे लिख लीजिए रेजिस्टेंस है, ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से
ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पे हम करेंगे। ओके, अपने टाइम फ्रेम को हम पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम बचे। ओके, 5 मिनट की ये कैंडल है, ठीक है, और 5 मिनट की हम लोग ट्रेड प्रेस करने वाले हैं। इसके बाद वो करने वाले हैं डाउन डायरेक्शन में, और यहाँ से गाइज हमारा मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, ओके, हमारे फेवर में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम जो अपने प्रॉफिट में अच्छे खासे आ पाएंगे। हमारी जो 2 ट्रेड लॉस हो गई है, हम इनको भी प्रॉफिट में बदल पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट 15 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं अभी भी इस कैंडल के एंडिंग में, और हो सकता है भैया मार्केट ऊपर उछाल लगा जाए क्योंकि बैक टू बैक कैंडल इसकी बन चुकी है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट के बाद मोमेंटम शिफ्ट होगा गाइस। से हमें 90% हम श्योर है कि नेक्स्ट जो 5 मिनट वाली कैंडल है वो बनेगी गाइस डाउन डायरेक्शन। ओके, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, मार्केट में शायद इस टाइम पे कोई न्यूज है यूरो पे, बट कोई नहीं, देखते हैं भैया मार्केट में न्यूज क्या इम्पैक्ट डालती है। और साइड बाई साइड में देख भी रहा हूँ कि भैया मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि न्यूज़ से गाइस में बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक ऐसी चीज़ न्यूज़ ही है जो मार्केट का गेम और रुख दोनों बदल सकती है। ओके, और हमारे पास अभी 26 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। ओके, ये टाइम हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, रेजिस्टेंस में भरोसा है भी नहीं, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखेंगे मार्केट का मोमेंटम। USD पे न्यू चल रही थी 19:00, चलिए गाइस हमने अपना यहाँ पे रिस्क ले लिया भैया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी ट्रेड प्रेस करी है आपके सामने, ये मतलब आप देखेंगे तो भाई लोग आप जो है चौंक जाएंगे। ओके, और हमारी लगभग 12 मिनट 41 सेकंड्स की ये ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, 12 मिनट 41 सेकंड की ट्रेड लगी हुई है यहाँ पे। टोटल 3 कैंडल हमारी फॉर्म होगी और 3 कैंडल हमारी डिसाइडर होंगी भैया हमारी ट्रेड में मार्केट भैया मोमेंटम कहाँ शिफ्ट करने वाला है, कहाँ पे नहीं शिफ्ट करने वाला, ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के जाने ही वाला है अपवर्ड या नहीं जाने वाला है, ऐसे डाउन की तरफ आ सकता है। और अगर मैं यहाँ पे USD पे न्यूज की बात करूँ तो गाइस 8:30 बजे न्यूज है मार्केट में, USD पे CB कंज्यूमर की कोई न्यूज है जो कि इस टाइम पे 8:30 बजे जो है मैंने बताया था आप सभी को। ओके, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं टाइमिंग ऊपर की साइड, हाँ 3:30 बजे यहाँ पे अपवर्ड गया था मार्केट, ये देख लीजिए 10 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ पे अपवर्ड गया था मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है टाइमिंग चेंज करके आपको दिखाऊँ, ये ट्रेड गाइस बहुत लंबी चलने वाली है, मैंने जो 12 मिनट की ट्रेड डाली है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो गाइस मार्केट कितने हद तक ऊपर जाएगा, कितनी कैंडल जो है मार्केट अपवर्ड बना सकता है, यहाँ से कभी ना कभी तो मार्केट डाउन के लिए गिरेगा और ये कैंडल बहुत बड़ी डाउन गिर के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 8:30 बजे की कैंडल में आपको दिखाऊँ 8:30 बजे की कैंडल गई कहाँ है, तो ये है गाइस हमारी 8:30 बजे की कैंडल जो मार्केट में न्यूज थी। और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 8:30 बजे मार्केट में इस न्यूज ने कितना बड़ा इम्पैक्ट दिखाया है और मार्केट अपवर्ड की तरफ कंसिस्टेंसी के साथ जो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। ओके, और अभी अब जो मार्केट में कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, फिलहाल ये जो कैंडल हमारी डाउन डायरेक्शन में बनी है वो भी फिलहाल फॉर्म हो रही है, अच्छा खासा हम यहाँ पे प्रॉफिट में भी चल रहे हैं, बहुत लंबा प्रॉफिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आपसे मैं सजेस्ट गाइज यही करूँगा कि आप लोग प्लीज गाइज अपने वीडियो में इस तरह का कुछ ट्राई ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं गाइज वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, क्योंकि मैंने जो ट्रेड यहाँ पे पूरे फुल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जो ट्रेड करी है वो मुझे यहाँ पे कुछ भी हो गई, मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो लेकिन दिखाऊंगा आपको वही चीज़ जो आप यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट लेकिन दिखेगी आपको वही चीज़। ओके, मैंने अपना साइड में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रखा है, वहाँ पे मैं कुछ नॉलेज वगैरह ले रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ भैया मार्केट की जो है क्या हालत फिलहाल अभी चल रही है। ओके, 5 मिनट का चार्ट अभी जा चुका है भैया डाउन डायरेक्शन में, हमारे पास लगभग 5 मिनट की 2 कैंडल फॉर्म होने वाली हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट पे आऊँ वापस से, ओके गाइस 5 मिनट पे आऊँ वापस से, ओके ये रहा हमारा 5 मिनट, तो अभी तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट की दो कैंडल हो सकती है वो मेरे लिए रिस्की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 9:59 का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। ओके, अभी अगर मैं आपके सामने लाइव चेक करूँ या डिपॉजिट ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो डिपॉजिट ऑप्शन में लाइव ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, डिपॉजिट का थोड़ा सा यहाँ पे भाई जिनका फंडा थोड़ा स्लो चलता रहता है क्या करूँ, मैं भी खुद परेशान हूँ, मैं खुद जो है यहाँ पे डिपॉजिट को लेके सोचता रहता हूँ कभी कभी, भैया मार्केट में अगर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हमारे साथ तो एक आम यूजर्स के साथ क्या दिक्कतें हो रही होगी, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो गाइस भैया UPI का ऑप्शन वगैरह वगैरह आ ही जाएंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ परफेक्ट मनी USD टेथर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इजीली कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल के लिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊँ तो विड्रॉल में कुछ खास ऑप्शन नहीं है। ओके, ग्लोब पे का ऑप्शन है, ग्लोब पे से विड्रॉ कर सकते हैं, मैं USD टेथर से करता रहता हूँ, तो आप जो है टेथर को यूज़ इजीली कर सकते हैं। ओके गाइस,
चलिए मैं वापस अपने ट्रेडिंग के लाइव उस पर जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ या हो क्या रहा है, चल क्या रहा मार्केट में। कैंडल थोड़ी क्लोज जा चुकी है अपॉर्ट के सिंबल के पास। मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होने वाली क्योंकि ऊपर की साइड अभी कोई इंडिकेशन मुझे मिला नहीं है और ये मार्केट की कैंडल भैया बन रही है अपॉर्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये ट्रेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली है, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि रिस्की मेरे लिए क्यों होने वाली है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आप खुद देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ चला गया गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ जो बने हुए हैं ट्रेडिंग में गाइस, आप जो है कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाएंगे, मार्केट को लाइव वॉच करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गाइस नॉलेज आना आपको कंपलसरी भैया, आपको नॉलेज आएगा अगर आप जो है मार्केट के साथ बने हुए हैं तो, ठीक है। मार्केट में आपको टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप, मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बनाने में भी आप सभी जानते हैं कितनी मेहनत यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी टाइम से डीमार्कर जो है हमारा अपोजिट लाइन पे चल रहा है, ओके, यानी ऊपर की साइड चल रहा है, यहाँ से डाउन इसको आना चाहिए, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। हमारे पास 7:56 का यहाँ पे भी टाइम बचा हुआ है, ओके। जो है हमें प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार तो करना बनता है, ओके। और आप सभी जानते हैं कि गाइस देखो, बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। गाइस मुझे ना थोड़ा अब अपनी ट्रेड में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि नीचे जो पैटर्न बन रहा है ना 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे, वो गाइस पैटर्न बन रहा है भैया अपॉर्ड के लिए, है ना। ये जो पैटर्न हमें दिखा रहा है भैया, ये कैंडल कुछ इस तरह से मतलब शेप लेगी, हैमर या हैंगमैन टाइप का शेप लेगी और ये मार्केट की सेकंड कैंडल हमारा अपॉर्ड बना सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला। अगर ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोज हुई ना तब भी गाइस मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए क्या मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है सबके लिए रिस्की हो सकता है जिसने इस पॉइंट पे ट्रेड करी होगी, बाकी का मैंने पता नहीं। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया था, मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, मिस्टेक हुई है, क्या कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक करूँगा अपना, ओके, और यहाँ पे एक बार पेज को भी चलिए आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको एक बार और तसल्ली यहाँ पे हो जाए, ठीक है। पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है और हमारे पास लगभग अब टाइम बच रहा है 6:36 का, ओके। बहुत ही ज़्यादा गाइस धमाके वाली ट्रेड मैंने यहाँ पे, क्या बताऊँ आपके सामने, जो प्रेस कर दी है, ओके, बहुत ज़्यादा धमाके वाली ट्रेड ये है। और 3:23 का मेरे पास लगभग टाइम बचा हुआ है। एमएससीडी का इंडिकेशन अगर मैं देखूँ साइड वाले मार्केट में, तो भाई साइड वाली चार्ट में अगर मैं देखूँ, एमएससीडी भैया इंडिकेट कर रही है हमारी अपॉर्ड के लिए, मार्केट अपॉर्ड पे क्लोज हो सकता है, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम भैया अपना टारगेट के हिसाब से ही चलेंगे। और हमारे चैनल पे आपके लिए नई नई चीज़ें गाइस आती रहती हैं, गिवअवे वगैरह, जैसे कि आपको इस वीडियो में पता ही है कि भैया इस वीडियो में गिवअवे चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि वीडियो में गिवअवे है वही 1000 रुपये का। तो जो लोग गिवअवे के विनर बनना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो अकाउंट क्रिएट करना है लिंक से, और जो है ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और ये ट्रेड तो भैया हमारी रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, और हमारे पास 2:40 का इस कैंडल में टाइम बचा हुआ है। देखते हैं लगभग भैया कहाँ पे क्लोज होता है, लगभग वही भैया हमारी कह सकते हैं 12 से 13 ट्रेड आपके सामने प्रेस हैं। जितना ज़्यादा जूम करूँ आप उतने अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना बड़ा रिस्क यहाँ पे है, और मैं किसी को गाइज ये रिस्क लेने के लिए तो कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। और आपको किसी के बोलने पे रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास इस कैंडल के एंड होने के बाद पूरा 3 मिनट का टाइम बचेगा, और वो 3 मिनट की कैंडल गाइज मेरे लिए क्या है, आप सब जानते हैं कि मेरे लिए वो 3 मिनट की कैंडल क्या हो सकती है, ओके। सो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप जब देख पा रहे हैं तो 2 मिनट में हो सकता है भैया ये मार्केट की ये वाली जो कैंडल है वो हो सकता है भैया अपॉर्ड पे क्लोज हो जाए, और अगर अपॉर्ड पे क्लोज हो तो मेरी जो है कह सकते भैया सांस से ना थोड़ा गले के बाहर आ सकती है ना। तो बस इंतजार करते हैं, 12:42 का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है, फिलहाल 1:40 का इसी कैंडल में टाइम बचा हुआ है। ये कैंडल भी वाइज पता नहीं क्या करेगी, देखते हैं। अगर डाउन पे क्लोज होती है तो गाइस बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर अपॉर्ड पे होती है तो वही गाइस हमारे लिए रिस्की हो सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमें आपसे थोड़ा सा, चलो 1 मिनट के चार्ट पे तो हमें कुछ अच्छा सा दिख रहा है, और यहाँ पे अगर डी मार्कर को देखें तो डाउन की तरफ इसने मोमेंटम झुकाया है अपना। लेकिन गाइस ये जो 4 कैंडल होने वाली है ना इसके बाद, ये 4 कैंडल गाइस बहुत बड़ा रिस्क हमें दे सकती हैं, ठीक है। सो हमें इन 4 कैंडल का वेट करना है, हमारे पास लगभग वही 4 कैंडल बची हुई हैं, और अगर गाइस यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बना रहा ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ आप सभी के सामने, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई, ये रही, ठीक है। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लूँ, इस लाइन को मैं कर दूँ भैया बड़ा, कलर इसका कर दूँ ग्रीन, ओके। और इसको अगर मैं इस पोजिशन पर लगा दूँ ना, ये यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे भैया इसका ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं करूँ 5 मिनट, तो ये हमारी कैंडल भैया अपोर्ट पे क्लोज हो रही है, ये इसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इंतज़ार करने का यहाँ पे 3 मिनट,
बहुत रिस्की पॉइंट पे हमने खुद ट्रेड करी है। हमने 5 मिनट का सोचा था कि भैया 5 मिनट करेंगे, लेकिन जो है हमारे से खुद गलती हुई है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 मिनट का टाइम बचा है, देखते हैं क्या होता है। और ये गाइज हमारा जो 3 मिनट का टाइम कटने वाला है, लास्ट का जो 3 मिनट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ये टाइम होने वाला है। 3 मिनट का टाइम गाइज, क्योंकि 3 मिनट में पता नहीं कैंडल क्या मोमेंटम लगी है। और मैं गाइज शिफ्ट नहीं करूँगा कतई, 1 मिनट के चार्ट पे अभी फिलहाल नहीं जाऊँगा जब तक मुझे कुछ अच्छा सा नहीं दिखता है। और मेरी कैंडल में लगभग 2 मिनट बचे हैं, अगर गाइज ये लास्ट के 2 मिनट रुक गई ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, वरना मेरे लिए तो ये रिस्की है ही। ये ट्रेड की उम्मीद छोड़े बैठा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नीचे से जो MACD स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेशन है वो साफ साफ दिखा रहा है, भैया मार्केट यहाँ से अपोर्ट जाने वाला है, ठीक है, एक दो कैंडल अपोर्ट जाने, यहाँ पे MACD इंडिकेट किया था इस वाले पोजीशन पे, और यहाँ से एक कैंडल, यही कैंडल जो है अपॉर्ड बनी थी नेक्स्ट वाली। अब प्रॉपर मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, जो भी होगा गाइस हो सकता है क्लोज हो, लेकिन क्लोज होने के चांसेस तो खैर अभी मुझे नहीं लग रहे हैं ऐसे क्लोज होगा कुछ। गाइस मेरे वीडियो में आज तक जो मैंने वीडियो में ट्रेड करी है वो मेरी करियर की सबसे बड़ी ट्रेड है ये, ठीक है। स्टॉक मार्केट में खैर मैं 2-2-3 घंटे होल्ड करता हूँ, लेकिन मेरी बाइनरी ऑप्शन में ये पहली ट्रेड है जो मैंने इतनी लंबी और इतनी रिस्की ट्रेड लगाई है, ठीक है। और इसका मुझे लग रहा है चांसेस गाइस कि ये लास्ट के 1 मिनट में होने वाला, जो भी होने वाला है, ठीक है। ये तो भैया चलो ठीक है, 1 मिनट में होल्ड कर जाएगी जहां तक करेगी, लेकिन ऊपर अगर जो बिप बची है इसकी, जो बॉडी बची है, ये बड़ी रिस्की हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा 11 सेकंड का टाइम बच रहा है। बिप जो ऊपर की बॉडी है ये मेरे लिए बहुत रिस्की लगेगी, क्योंकि ऊपर जो कैंडल बनी है वो स्टारडम से ही हमारी कैंडल जो बनी है वो फुल बॉडी वाली बनी है, बॉडी में कोई उसने छेड़खानी नहीं करी है। देख लीजिए, मैंने बोला था लास्ट की कैंडल ये दिक्कत कर सकती है, ठीक है। लास्ट का 1 मिनट ने जो दिक्कतें गाइस करी हैं, मैं क्या आपको बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं आप इंतजार कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट का भैया टाइम बचा है, 42 सेकेंड्स का इंतजार करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए अभी भी। 36 सेकेंड्स, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, मार्केट की कैंडल आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ आ चुकी है, और जहाँ से आई है वहाँ पे वापस भी जा सकती है। हमारा से तो भैया सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा हमें। चलिए अब मेरा जो टाइम है वो आ गया भैया 1 मिनट की चार्ट देखने का, है ना। चलिए 1 मिनट की चार्ट देखता हूँ। ये कैंडल ना गाइज बहुत ही रिस्की कैंडल ही बनी थी क्या, अभी बन रही है गाइज। 10 सेकंड का टाइम बचा है और मेरा ये अलग वाला टाइम बचा है। गाइज देख लीजिए कहाँ मैंने ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी, और फाइनली गाइज हमारी सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट है, $27,240 का बैलेंस। और यहाँ पे मैंने जो लॉसेस आपको दिखाया था, मेरा लॉसेस नहीं था गाइस $16,000 का, वो मैंने सारा का सारा लॉसेस जो है वो रिकवरी कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा लॉसेस जो है वो रिकवर्ड है। अब मेरे पास से वो सिर्फ जो लॉस बचा वो बचा है गाइस $5,600 का। चलिए इसको भी हम कवर अप कर लेंगे, बस ये भी पॉइंट ये टच करे, और मैं यहाँ पे 7 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और ये टच करे, मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, इंतजार करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, 19 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं गाइस इस कैंडल के एंडिंग में। ओके, $1,000 की ट्रेड यहाँ पे होने वाली है सारी की सारी, और थोड़ा सा होने वाला भैया इंतजार। चलिए भैया चलो, मेरी टोटल 7 ट्रेड होंगी, जो मैंने आपसे बोला था मैं 7 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। मेरी 7ों ट्रेड डल गई हैं, ये मेरी रिकवरी की ट्रेड है, अगर मेरी रिकवर होती है भैया ठीक है, नहीं होती है स्टॉप कर दूंगा यहाँ से मैं, ठीक है। बिकॉज गाइस 45 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, और ऊपर की साइड अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट में जो मैंने आपको बताया था MACD इंडिकेट करी अपॉर्ड के लिए, तो मैं उसी अपॉर्ड पे उसी इंडिकेटर को लेके मैं अपॉर्ड पे गया हूँ, इसीलिए मैंने अपॉर्ड पे ट्रेड डाली है। बाकी का 32 सेकंड का मेरे पास टाइम बचा है, मुझे नहीं पता है कहाँ जाने वाली है ट्रेड, बट मेरे प्रॉफिट से ले कट लेके जाएगा या फिर ट्रेड मेरे को प्रॉफिट होके जाएगी, वो आने वाले 20 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। कैंडल तो भैया यार ये जो कैंडल जो यहाँ पे ये वाली बनी है, ये पूरी फुल बॉडी वाली हैमर टाइप की कैंडल बनी है, इसको जाना तो यार अब चाहिए, बट खैर देखते हैं क्या होता है। 11 सेकंड बचे हैं। एक तो गाइस ये कैंडल जिस चार्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुअलिटी वाला चार्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, OTC पे एक बार हम रिस्क लेते हैं, ठीक है। USD पे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गई है 5 की 5 ट्रेड। एक बार CAD CHF पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम है 1 मिनट का, इसको करेंगे 5 सेकेंड। ओके चलिए, चलिए गाइज यहाँ पे $3,000 का हमारा लॉस हुआ, हमें इंतजार इंतजार इंतजार, यहाँ पे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए 15 सेकेंड्स कर लेते हैं। ओके, रिकवरी तो हम यहाँ से करके जाएंगे, ठीक है। चलो भैया हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड डाल दी, कितने सेकेंड्स की,
15 सेकंड की सारी ट्रेड हैं और यहाँ पे लगी हुई हैं टोटल 17 ट्रेड, 17 ट्रेड्स, और 5 सेकंड का समय टाइम बचा हुआ है और ये हमारी ट्रेड गाइस यहाँ पे होती हैं एंड। ओके, और हमारे पास कितना बैलेंस हो गया भैया? 32,800। चलिए यहाँ पे जाते हैं, कितना हो गया हमारे पास भैया? सिर्फ और सिर्फ 400 और का लॉसेस बचा हुआ है। ओके, चलो एक लास्ट टाइम पे हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बन रही है, 15 सेकंड नहीं, अब चलेंगे 5 सेकंड के साथ। चलिए लीजिए, 5 सेकंड की ट्रेड डाली है अपवर्ड डायरेक्शन में 1,000 और की, सिर्फ उसे हमें लॉस कवर करना है अपना, उसी लॉस कवर करने के लिए हमने ट्रेड डाली है, हमारा वो भी लॉस कवर अप हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, हमने लॉसेस किया था, सारा का सारा रिकवरी मोड पे हमारा हो गया, $513 के हम जो है प्रॉफिट में आ चुके हैं। और ये वीडियो जो थी ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ये वीडियो थी, कहाँ से कहाँ हमने रिकवरी करी अपने अमाउंट की। और यहाँ पे देख लीजिए हमने कितनी ट्रेड टोटल यहाँ पे प्रॉफिट करी है, लगभग समथिंग वही कह सकते हैं कि हमने जो है $20,000 का लॉसेस को कवर अप किया है, ठीक है, आपके सभी के सामने हमने लाइव जो है लॉसेस को कवर अप किया है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।